हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, तो आप सबको पता है कल ईद है और अभी मैं बैठा हुआ था यार, सोचा कि पार्टी शार्टी करते हैं आज रात, तो चांद रात हम सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। कुछ खाने पीने का सामान मैं लेने जा रहा हूँ आज, भाई साहब पार्टी वाला सीन होगा फुल। तो अभी बस का वेट कर रहा हूँ मैं, वहाँ से बस आती है कोई तो पकड़ते हैं, निकलते हैं फिर। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back. पाकिस्तान में जब हम होते थे तो भाई साहब अच्छा खासा अंगीठी लगा के बारबेक्यू करते थे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो सकता। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा भाई साहब किसी लेक वेक पे या फिर माउंटेन्स पे, वो हम जा नहीं सकते आज। बिकॉज़ दो दिन पहले एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसमें कोई लड़का डूब के मर गया इंडिया का, ठीक है। तो अवॉइड ही करेंगे हम बाहर जाने से, हम घर में ही अवन शवन में बनाएंगे उसको और इंजॉय करेंगे। अभी जलोनी सामने है मेरे, तो उठाते हैं यहाँ से सामान। यार मैंने सामान ले लिया, सामान में मेरे पास है भाई साहब राइस, राइस हमारे ख़त्म हो गए थे, एक बिरयानी मसाला लिया और चिकन टिक्का, क्योंकि आज होगा टिक्के वाला सीन। और ये शॉप है भाई साहब वही फेमस शॉप 54 नंबर, तो यहाँ से ही मैं ख़रीदता हूँ सामान, ये काफ़ी अच्छा देती है सामान। और अभी ये सामान पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं किसी और जगह। मार्केट के अंदर ना इंटरनेट फुल जलील कर रहा है, मुझे चल ही नहीं रहा, पेमेंट मैंने करनी होती है। और अभी नियत लाहौर, तो अभी यहाँ पे आया हूँ मैं, यहाँ से कोई बकरा शकरा खरीदते हैं और फिर चलते हैं घर को। लो जी ये मैंने उठा लिया मटन वटन, ठीक है सारा सामान मैंने उठा लिया, बस खीर के लिए मुझे कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए, तो वो भी चल के उठाते हैं। यहाँ से हम ड्राई फ्रूट उठाएंगे, ये मेरा दोस्त ही है तो सस्ता देता है मुझे। भाई जिससे मैंने मटन लिया ना वो लड़की थी, ठीक है, और उसकी इंग्लिश ऐसी खतरनाक भाई, मेरी तो फट गई सुन के, कसाई लग ही नहीं रही थी यार, वो कोई बिजनेस वूमेन लग रही थी, ठीक है। वैसे इंटरनेट ने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जलील किया मुझे, और भाई साहब मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे मिले कुछ, लेकिन यार इंटरनेट ने इतना परेशान किया हुआ था, वो मुझे पूछते भाई सियालकोट से आप, मैंने कहा नहीं भाई लाहौर से, और मैं निकला हूँ वहाँ से क्योंकि यार मेरा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था फुल। आज यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना भाई साहब, वो चेक करो मेरी बस ट्रैफिक में फंसी। जा रुक जा, अब उनको बैठने दे। A few moments later, घर के पास मैं पहुंच गया हूं और अभी मुझे लेना है चिकन, योगर्ट और दूध लेना है मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है मैं थोड़ा थोड़ा थक गया हूं, ठीक है। तो सामान उठाते हैं घर जाके रेस्ट करते हैं, अब बाकी के लोंडों को कहूंगा ये करें काम शाम, ठीक है, उनका सुपरवाइजर मैं ही रहूंगा। लेकिन बहुत चंगा ना मैं यार, ये ना मुझे मजा आता है, ठीक है, लाइक पार्टी करने में, ये वो चीजें बनाने में, खाने में, ठीक है। सामान को मैंने यहाँ पे रख दिया, एक उठाते हैं ये बकेट, एक उठाते हैं योगर्ट। यार अब मैं मेन चीज उठाऊंगा बारबेक्यू हम बना रहे हैं, तो यहाँ से कोई चिकन के अच्छे अच्छे पीसेस पकड़ते हैं। ये नेबलेट और भी चाहिए, ये पकड़ते हैं, एक उठाते हैं जी दूध का डब्बा, एक उठाते हैं सेवन अप। चिकन मैंने कम ही उठाया क्योंकि अपने पास मटन है 1 kg से ज़्यादा है वो, तो उसकी कढ़ाई बनाएंगे और साथ में उसकी बिरयानी बनाएंगे। घर आ गया हूँ मैं और अभी निमको शिमको यस कराई जा रही है और दोस्त लगे हुए हैं, ठीक है, कोई चिकन धो रहा है, कोई आटा गूंद रहा है। अभी मेरा काम है मसाले लगाना नेबलेट्स को, ठीक है, बिरयानी बनाना और नान वगैरह। नान मैं खुद तो नहीं बनाऊंगा, लाइक मैं बता दूंगा कैसे बनने हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक बंदे को बिठा देंगे, आपको दिखाएंगे आगे आगे क्या होता है। चिकन धुल गया और किचन में आ गया हूँ मैं, ये चेक करो चिकन भी धुल गया है, बीफ भी धो लिया था, तो अभी अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, तो अभी करते हैं कार्रवाई शुरू, इसको लगा के मसाले में रख दूंगा कोई एटलीस्ट 3-4 घंटे के लिए मैक्सिमम।
ये डल गया जी अदरक लहसुन का पेस्ट, ज्यादा ही मैंने डाल दी है, निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। चलो इतना बोलता है। अब जाएंगे भाई इसमें लेमन्स, और सबसे आखिर में भाई टिक्का मसाला। ये 2 kg चिकन है पूरा, तो इसमें एक डलेगा हो जाएगा सिस्टम। Three hours later. अच्छा तो मटन कढ़ाई बन चुकी है, ये चेक करो जी, और सारे बंदे लगे हैं काम के लिए, और ये कटिंग शटिंग हो रही है, और बाकी का सिस्टम ये पहले ही मैंने दिखाया था आपको, तो फाइनलाइज इसको करके फिर मिलते हैं और कल खाते हैं। अच्छा तो पूरी कार्रवाई हो चुकी है और लास्ट चीज रह गई है, इनको बस ग्रिल करना है। बिरयानी अपनी बन गई है और खीर भी बन गई है इस तरफ, तो इसको ग्रिल करते हैं फिर। यहाँ पे पंखा भी रख दिया मैंने ताकि जो भी धुआं वगैरह हो वो निकल जाए बाहर ही। अच्छा तो खाना शाना अपना बन गया फाइनली, और भाई साहब अपने पास है जी बिरयानी, और उसके बाद ये विंग हमने किए थे ग्रिल वगैरह, और ये मटन है, फिर उसके बाद खीर है और नान है, रायता एंड कोल्ड ड्रिंक। अभी मैं खाता पीता हूँ बिकॉज मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।